अगलावा मजबूरी आन अन जान दी पसूरी इन मैं किसी फिल्म में आइटम नंबर करना चाहती हूँ ये मेरा एक बहुत बड़ा वो है आम, टू डू लिस्ट दे नहीं ओ लगदा मुख तक बिना सो गए आशिक सारे भाई माफ़ कर दें हमें दिन अपना बातों बातें सुने बगैर गुजारना है हम भी चाहते हैं कि हमारे कान साफ रहे दिमाग साफ़ रहे और हम अच्छे पॉजिटिव माइंड से दिन गुजारें हाई गाइस दिस इज आर एफ बी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ई ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिट द बटन लाइक शेयर कमेंट ऑल ऑफ दैट मेक योर वॉच बर्थ मतलब नॉर्मली लाइफ में मैं बहुत एनर्जेटिक इंसान हूँ आई एम वेरी लाइक लाइवली हैप्पी गोलाकी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन बट लाइक मेरे लो टाइम्स भी होते हैं मैं नॉर्मल भी होती हूँ लेकिन कैमरा के आगे या परफॉर्म करते हुए ऐसा होता है जैसे मतलब एक अंदर से स्प्लिट पर्सनैलिटी निकल आती है बाहर जो कि बस इट्स जस्ट आई फील लाइक कि इट्स इट्स अ ड्रग फॉर मी परफॉर्मेंस एंड सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट लाइक फ्यूल फॉर माई सोल So whenever I'm in front of the camera, whenever I'm performing, I try to like have the most out of it, live in the moment, and make the most out of it, enjoy it to the fullest. So I think that's that. It was the first time that I was uh, walking on the uh, ramp of a uh, modeling show, on a, of a fashion show. एंड आई न्यू दैट माई सॉन्ग इज़ वेरी अपबीट मुझे पता था कि बहुत अपबीट गाना है और मुझे पता था कि अगर मैं नॉर्मली उस पर वॉक करके आराम से गाना गा दूँगी तो इट्स नॉट गंग टू बी जस्टिस फॉर द संग तो um, जब मैं इंटर हुई स्टेज पर तो मैंने दिमाग में सोचा हुआ था कि मैं बड़ा एक कंटेंड किस्म का रखूँगी क्योंकि सब मॉडल्स वगैरह देर ऑल कमिंग एंड देर वॉकिंग एंड एवरी वन इज़ कीपिंग देर एनर्जी वेरी कंटेंड सो मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं कंटेंड रहूँगी मैं थोड़ा सा बैलेंस करके थोड़ा सा आराम से लाइक आई मैच द वाइब लेकिन जब मैं रैंप पे आई तो फिर मैंने कहा क्यों मैंने नहीं करना <laughs> मैं मैं अपना गाना इंजॉय करूँगी और मैं सबको इन्जॉय कराऊँगी बी एट अ फैशन शो बी एट अ स्टेज बी एट एनी थिंग एंड दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी एवरी वन इन्जॉयट मतलब जितना मैं उसको इन्जॉय करी थी उतना ही देखने वाले सब इन्जॉय कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस थैंक्स टू फाहद फॉर हैविंग मी साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था ही इज़ सच एन अमेजिंग सोल सच ए टैलेंटेड पर्सन एंड हम दोनों इतना ज़्यादा बाउंस ऑफ कर रहे थे एक दूसरे की एनर्जीज को बैक स्टेज भी वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट भी कि लाइक एक ऐसी बैलेंसड कोऑर्डिनेशन बन गई थी हमारी कि इवन लेटर व्हेन वी शॉर्ट द म्यूजिक वीडियो फॉरचुनी वी वर वोथ ऑन लाइक द सेम एनर्जी विद द सॉन्ग ऑल लाइक अगला इंसान उस तरह से रिलेट नहीं कर पाता जितना आप करते हो अपने गाने से लेकिन वोहाव वॉज लाइक ऑन द सेम लेवल ऑफ एनर्जी आई वर्ज सो दैट वॉज़ अमेजिंग सींग एन अदर आर्टिस्ट यू नो जस्ट एक कलेजन में आपके साथ इन योर वर्क सो आई थिंक इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वो हाव यस आई हैव डन थियेटर माई इंटायर लाइफ आई है लॉट मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम ज़ाया कर रही हो अपनी एक्टिंग स्किल को तुम्हें करनी चाहिए एक्टिंग बट मे बी येस एट द राइट टाइम आई वुड वॉन्ट टू परस्यू इट एज अ करियर as well. यस yes. पैरी कुड़ी एक ऐसा गाना है जो सारी पैरी कुड़ियों के लिए जिनको हमेशा रोज़ सुनने को मिलता है कि तू बड़ी ख़राब लड़की है नहीं तेरी कंपनी नहीं ठीक नहीं तुम तुम्हारे इरादे ज़िंदगी में नहीं ठीक बहुत ही ओवर हो क्या कर लेना इतने काम करके कौन से आसमानों को हाथ लगा लेना है एंड पे तो बस ये ज़िंदगी का यही काम है ना कि मतलब घर संभालना बच्चे पैदा करना ये ये ज़िंदगी का काम है हम करेंगे किसने काम नहीं करेंगे हम करेंगे लेकिन इतनी ओपिनियंस हमें नहीं चाहिए भाई माफ़ कर दें हमें दिन अपना बातों बातें सुने बगैर गुजारना है हम भी चाहते हैं कि हमारे कान साफ़ रहें दिमाग साफ़ रहे और हम अच्छे पॉजिटिव माइंड से दिन गुजारें क्यों रोज़ हम दस नहीं तो दो लोगों की बातें सुने सो पेरी कुरी इज़ अ सॉन्ग फॉर पीपल बिकज़ इट्स एन आंसर टू ऑल दीज थिंग्स कि आप समझें जो आपने समझना है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने करना है जो मैंने करना है सो so, हैंस इस गाने का जो कोरस है लो ठुड ठुडते रख दी मैं उस तू ऐ समझ दी मैं हत्ता तो निकलती कुरी, कुरी, तू सो so, पंजाबी में है और इसका मतलब है कि लो मेंटालिटी मैं ठुड पे रखती हूँ आई डोंट केयर अबाउट इट मैं वो सब जो तुम मुझे समझती हो या समझते हो मैं नाचूं मैं हाथों से निकलूं मैं आसमान पे जाऊं मैं ज़मीन पे बैठूं मैं दीवारों में सर मारूं मैं जो भी करूं मैं तुम्हारे लिए पैरी कुड़ी हूँ तो मैं पैरी कुड़ी हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो पैरी की म्यूज़िक वीडियो है इट्स एन ऑल वुमेन टीम Uh, from the director to the production house to uh, singers, uh, jajiji with me to producer, music producer, to actors, to dancers, every, each and every person in this entire music video ki team was, and music ki team was all female. Uh, all kinds of women came together for one purpose and one cause and made this project possible and it was such a beautiful experience to see everyone so equally invested because kisi aikibi energy kamya zada everyone was equally invested in it and it was just amazing that kind of uh, aura that everyone was creating यूजली शूट्स पर आपको बताना पड़ता है कि यू नो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद मुझे ऐसे नहीं चाहिए या मुझे थोड़ा सा आप इस तरह कर लें दिस टाइम आई वॉज जस्ट लाइक हाँ आ गया ओके सो अमेज़िंग अमेज़िंग एक्सपीरियंस नॉट दैट इट वॉज ऑल फीमेल बट द फैक्ट दैट एवरी वन वो इन्वेस्टेड सो येस इट्स एन ऑल वुमेन टीम इट इज़ वी डिसाइडेड टू चूज़ एन ऑल वुमन टीम ताकि हम ये बात आगे फॉरवर्ड लेके आ सकें कि वट वमेन कैन डू And how you can get inspired or take confidence from them. Iska formula tha ke by women for women by movement for all? by women for women? But I feel like it's relatable to everyone. Um, even men face a lot of suppression in our country, um, all genders face a lot of suppression in our country. So I think isko, uh, this is by women for women. बट आई फील लाइक एवरी वन कैन रिलेट टू इट बिकॉज एवरी वन गोज थ्रू द सेम थिंग इन दियर ओन डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ सो इट्स एन एंथम फॉर ऑल खुशबू एक ऐसा गाना है जो uh, सुनते आपको लगेगा कि बस एक खुशबू पर या किसी इंसान की खुशबू पर गाना बनाया हुआ लेकिन खुशबू बेसिकली प्यार तो सबको होता है ज़िंदगी में प्यार जब चला जाता है तो उसकी याद भी आती है तो अगर उस याद को हम खुशबू से रिलेट करते हैं तो जब जब वो खुशबू आती है आपको वो प्यार याद आता है तो वो खुशबू उस खुशबू पे वो गाना है एंड इट्स वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट बिकॉज़ मैंने बहुत um, अपने दिल के एक अंदरूनी कोने से निकाल के वो गाना बनाया है सो यस चुनी केसरी जो ओरिजिनल टप्पा है वो वैसे नॉर्मली पंजाबी ख़ानदानों में शादियों पे गाया जाता है और मैं बचपन से चुन्नी केसरी ये टप्पा हर शादी पे गा रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मटर्नल साइड पे हम सारे ढोलकी पे कुछ सर्टन टप्पे और गाने हैं जो रिपीटेडली गाते हैं तो उसमें से एक चुन्नी था और बचपन से क्योंकि आई हैव बिन हियरिंग दिस सॉन्ग माय एल्डर्स सिंग दिस सॉन्ग आई सेंग दिस सॉन्ग इट आई रिलेटेड टू इट सो मच कि जब भी मुझे चुन्नी केसरी कहीं कोई गाता हुआ नजर आता तो शादी ढोल ये वगैरह एकदम से याद आ जाता तो आई रियलाइज़ के वाकई पाकिस्तान में शादियों पे या तो बॉलीवुड सॉन्ग्स बजते हैं या फिर आपके ऐसे गाने जो शादी के पर्पस के लिए नहीं बनाए गए वो किसी और पर्पस के लिए बनाएंगे तो मैंने कहा एक शादी एंथम बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में जो कि शादियों पे गाया जाए जिस पर नाचा जा जाए और क्योंकि मैं चुन्नी से बहुत रिलेट करती थी बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस विद इट तो फिर आई वॉन्ट टू मेक माई मदर प्राउड कि आपने जो बचपन से मुझे गाना सिखाया एक uh, मैंने बना दिया ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ 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 ਅ ਗਿਫਟ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰਮ ਫਰਮ ਮੀ ਹੋ ਗੋੜੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਂ ਹੱਸੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਵੇਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰੁੱਤਾ ਮੇਲਾ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਨ ਵਧਾਈਆਂ ਸਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲਾ ਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਅਨ ਜਾਣਦੀ ਪਸੂਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਝੂਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੂੰ ਝੂਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ बहुत लोगों ने मुझे कहा सुनो सुनो तुम तुम्हें सुनना चाहिए तुम्हें बहुत पसंद आएगा मैंने कहा ठीक है मैं सुनूंगी सुन और फिर एक दिन रैंडमली मैंने लगा दिया और उस दिन से लेके अगले तीन दिन तक मैंने बीस बार वो गाना रिपीट पर सुना इतना मुझे पसंद आया मतलब अमेजिंग अमेजिंग वर्क इमोशनली कनेक्ट हो गई मैं उस गाने से यस yes.

सीज़न दिस टाइम क्योंकि हमेशा एक थीम होती है एक सॉर्ट ऑफ यू नो सारे गाने एक ही पेज पे हो रहे होते हैं इस बार बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी थी सो एवरी काइंड ऑफ पर्सन कैन लिसन टू कोक स्टूडियो दिस टाइम बिकॉज आपको हिप हॉप -आप पसंद है हिप हॉप गाना है आपको लव सॉन्ग पसंद है वो है आपको क्लासिकल पसंद है वो भी है सो इट्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल लेकिन मैं किसी फिल्म में आइटम नंबर करना चाहती हूँ ये मेरा एक बहुत बड़ा वो है टू डू लिस्ट के मतलब बीरी जलाए ले कोई मजेदार सा आइटम नंबर जिसमें मेरी कैरेक्टर और मेरी आवाज निकले आई रियली आई वुड रियली वांट टू डू इट लाइक दैट्स लाइक अ चेकबॉक्स सारे राती सो गए गे मुख गए तो गए पिछक कुंवर दिन नहीं लगता मुख तके बिना सो गए आशिक सारे ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੇਨੀਏ ਤਾਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗene ਗene ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਕਮਲੀ ਆਖਨ ਸਾਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ